बिल्कुल दीवार से दीवार लगते हुए मैक्स स्टेट 17,000 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अपना प्रोजेक्ट लेके, उससे पहले ही नियर बाई जस्ट इस प्रोजेक्ट के सामने 200 मीटर दूर आपका ऐलान का दम रखकर दिल्ली बॉर्डर से अगर आप ड्राइव करके आज के टाइम पे आते तो 10 से 12 मिनट नहीं लगेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ और भी प्लान कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं राज यादव आपका रियल एस्टेट गाइड। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक बहुत अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट लेके आया हूँ, एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, मैक्स स्टेट। मैक्स स्टेट का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार इसकी लाइव विजिट कराता हूँ, फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या साइज है, क्या प्राइसिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और नियर बाई क्या है। तो एक बार आपको लाइव साइट विजिट कराता हूँ। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इनका साइट ऑफिस बन रहा है, वो पीछे आप देख रहे होगे ना, ये क्रूसुमी है, क्रूसुमी से लगती हुई इसकी साइट है। ये देखोगे साथ में आपका द्वारका एक्सप्रेस वे जा रहा है, यहाँ हम खड़े हैं सेक्टर 36A में और इसके उस तरफ आपका हो जाता है सेक्टर 84। वो सामने आप देख भी रहोगे ऐलान का द मिरेकल है और इस तरफ हम जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे। यहाँ से दिल्ली बॉर्डर जाने में आपका सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगता है और बिल्कुल ये एक्सप्रेस वे के साथ लगती हुई प्रॉपर्टी है। क्रूसुमी तो आप लोगों ने देखा होगा, तो क्रूसुमी के साथ अभी आपने साइट देखी है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें मैक्स स्टेट, मैक्स स्टेट के बारे में बात करने से पहले बता दूं इसके साथ में आपका क्रूसुमी लगता है सेक्टर 36A में, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। साथ में आपकी ग्लोबल सिटी आ रही है, बिल्कुल मिड में आपका प्रोजेक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट एंट्री आपकी द्वारका एक्सप्रेस वे रहने वाली है। मैक्स स्टेट की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे दिल्ली एनसीआर में और इंडिया में भी मैक्स के हॉस्पिटल्स है, मैक्स की आपकी लाइफ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस है। सेकंड, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तो कंपनी के बारे में और भी बताऊं तो इनके ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट डिलीवर है जो कि नोएडा और देहरादून में है। गुड़गांव में अपने 2 प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। पहला प्रोजेक्ट जहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 36A में है। इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो अभी रेरा आया नहीं है, बिल्डर ने रेरा अप्लाई किया हुआ है। 12 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसमें सिर्फ आपके 6 टावर आने वाले हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं, मैक्स स्टेट का जो ये प्रोजेक्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। डिवाइड इन द सेंस कि 4 टावर तो आपके लग्जरी कॉमन सबके लिए रहेंगे, जो 2 इसमें टावर आने वाले हैं वो आपके रहेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो हम फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो सभी के लिए उसके बारे में बात करते हैं। जो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है इसमें आपके 2 क्लब हाउस होंगे, तकरीबन 1.25 लाख स्क्वायर फीट का इसमें क्लब हाउस आने वाला है। 3.5 BHK प्लस 4.5 BHK का इसमें आपको साइज मिलने वाला है। साइजेस की बात करें तो 3 BHK में आपको 2 साइजेस मिलेंगे, 2500 स्क्वायर फीट प्लस 2700 स्क्वायर फीट। अगर हम 4 BHK की बात करें तो इसमें आपको एक साइज मिलेगा 3400 स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। आपने देखा अभी द्वारका एक्सप्रेसवे है ही, दिल्ली बॉर्डर से अगर आप ड्राइव करके आज के टाइम पे आते हो तो 10 से 12 मिनट नहीं लगेगा चाहिए आप 60 की स्पीड से चलो। NH8 से बात करूं, मानेसर टोल टैक्स से बात करें तो 5 मिनट लगेगा। आप इस लोकेशन पे दिल्ली से आओ या NH8 से 2 से 5 मिनट में पहुंच जाओगे। आने वाले टाइम में बीच की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेटर होने वाली है। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ और भी प्लान कर रही है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान में ऑलरेडी है कि मेट्रो आने वाली है, वो आपको मास्टर प्लान में दिख जाएगा, वो आपको शेयर भी कर दूंगा। सेकेंड, प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट को बनने में 4 से 4.5 साल लगेगा। उससे पहले ही नियर बाई जस्ट इस प्रोजेक्ट के सामने 200 मीटर दूर आपका ऐलान का द मिरेकल मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दूसरी बात करूं, CPR रोड साथ में कनेक्टेड है जो आपका गोल्फ कोर्स रोड से स्टार्ट होता है, उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है, फिर आपका SPR आता है, देन CPR आता है। हमारे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद में जो सबसे चौड़ा रोड है वो CPR है, जिसके ऊपर ये कनेक्टेड है आपका एक्सप्रेसवे से भी और CPR से। CPR एक मल्टी यूटिलिटी आपका कॉरिडोर है जिसमें आपको फ्रंट में सारे कमर्शियल देखने को मिलेंगे। अगर हम मैक्स स्टेट 36A के प्राइसिंग की बात करें, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। अगर प्राइसिंग की बात करें, अगर आपने देखा होगा क्रूसुमी में जब क्रूसुमी ने लॉन्च किया था लास्ट फेज अपना, लगभग 22,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च किया था। सेम लोकेशन पे बिल्कुल दीवार से दीवार लगते हुए मैक्स स्टेट 17,000 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। प्राइसिंग 20,000 बोल रहा है, उसमें इनोग्रल डिस्काउंट आपको मिलेंगे, तो 17,000 से 18,000 रुपए का मैक्स ब्रैकेट रहेगा। इसमें पहली बात करता हूं, आप कहोगे कि प्राइसिंग उससे कम क्यों आ रही है, क्योंकि उसके गुड़गांव में ये पहला प्रोजेक्ट है। सेकंड, क्रूसुमी का ऑलरेडी इससे आज के टाइम में भी 4.5 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ज्यादा बिक रहा है। एप्रिसिएशन की बात करें, क्रूसुमी का भी पहला ही प्रोजेक्ट है गुड़गांव में और मैक्स स्टेट का भी पहला ही है। क्रूसुमी इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है रियल स्टेट में। आपका जो मैक्स स्टेट है पिछले 2016 से यहाँ पे और एक लिस्टेड कंपनी भी है, तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी उस हिसाब से
प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी आएगा। अगर हम गुड़गांव की द्वार का एक्सप्रेसवे की बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे आ ही नहीं रहा है। चाहे हम क्रोसुमी की बात करें, चाहे आगे व्हाइट लैंड लॉन्च होने वाला है, सेंट्रल पार्क की बात करें 103 में तकरीबन 23 से 24 हजार में अपना सामान बिक के निकल गया है। नेक्स्ट फेज उसका आएगा 28 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके पास ही और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो यही आपके 25 से 26 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में रहेंगे। तो एप्रिसिएशन आपको अगले 6 से 7 मंथ 4 से 5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट मिल चुका होगा। तो ये 17 से 18 हजार इसकी प्राइसिंग है, प्लस इसमें पीएलसी और जीएसटी एक्स्ट्रा रहेंगे। अब इसकी ईओआईज की बात करें, कंपनी ने ईओआईज लेना स्टार्ट कर दिया है। 25 लाख रुपए का चेक प्लस आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, बैंक आपका नॉन बैंकेबल रहेगा। उस चेक से आपकी ईओआई जनरेट होगी। EY जब हम जनरेट करेंगे तो आपको प्रायोरिटी नंबर एक मिल जाएगा, जिससे अलॉटमेंट आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में गुड़गांव में पिछले कुछ टाइम से चाहे डीएल परिवाना साउथ हो, वेस्ट हो, आर्बर हो, गोदरेज के जो भी प्रोजेक्ट आए हैं डे वन सोल्ड आउट हो गए। उसका रीजन यही रहा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है उसकी EY 2 से 3 महीने पहले उठनी स्टार्ट हो जाती है और उनको प्रायोरिटी नंबर मिल जाता है। जब किसी प्रोजेक्ट में 700 से 800 इन्वेंटरी होती है उन बिल्डर के पास, उसके अगर 4 से 5 हजार आपकी ईओआईज होती है तो प्रोजेक्ट डे वन में सोल्ड आउट हो जाता है। और जहां मैक्स की बात करें, जब रेट का इतना डिफरेंस आ रहा है तो ये भी गारंटी है कि ये प्रोजेक्ट भी आपका डे वन में सोल्ड आउट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो उसके अब हमें कॉल करें, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा। जितना जल्दी आप ईओआई जनरेट करेंगे उतना ही जल्दी आपका प्रायोरिटी नंबर मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरा इस प्रोजेक्ट में बेस्ट अलॉटमेंट बेस्ट डिस्काउंट के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, हमारा एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप पिन कीजिए, हमारा आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, हम आपको अपने एंड से कॉल करेंगे। और फर्दर डिटेल्स के लिए, मैक्स स्टेट का गुड़गांव में ओबरॉय होटल में इनका ऑफिस ओपन हो गया है, जब भी आप मीटिंग करना चाहे और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मीटिंग फिक्स कर देंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। सो और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।